हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो आज हम क्या क्या टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में, वो देख लेते हैं। पहला तो है ग्रीन हाउस, दूसरा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, और तीसरा है ग्रीन हाउस गैसेज, एंड फोर्थ ग्लोबल वार्मिंग। तो इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सब चारों में क्या इंटर रिलेशन है ना। तो हम शुरू करते हैं ग्रीन हाउस से। तो देखिए, ग्रीन हाउस क्या है बेसिकली, हम जब भी ग्रीन हाउस सुनते हैं तो हमें लगता है, मन में यही होता है कि नहीं, ग्रीन हाउस क्या होता है और ग्रीन हाउस से पोल्यूशन कैसे फैल रहा है ना, और है ना उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है। हम ये अक्सर क्या होता है, मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ग्रीन हाउस से ही पोल्यूशन हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या नाम उसका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, क्यों है ना, वो डिटेल में हम देखते हैं अब आगे। तो हम बात पहले कर लेते हैं ग्रीन हाउस के ऊपर। तो ग्रीन हाउस क्या है बेसिकली, ग्रीन हाउस एक शीशे का बना हुआ, जिसका वॉल्स जो होता है ग्लास का होता है, वो बना हुआ एक घर होता है, जो कि बेसिकली फसल वगैरह क्रॉप्स वगैरह उपजाने के लिए बनाया जाता है। इसमें दिख रहा होगा आपको बैकग्राउंड में। तो उस वो क्या करता है, जो दिन में जो सन से हीट आता है उस हीट को ट्रैप कर लेता है, और ये मोस्टली ठंडे प्रदेश हैं जैसे कि कनाडा वगैरह, अमेरिका हो गया, उन एरिया में यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि रात बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है वहाँ, है ना, बर्फ़ वगैरह काफ़ी बर्फबारी होता है, तो वहाँ पे कुछ फसल बहुत ही मुश्किल होता है उपजाना। जैसे कि आप एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं हम कि टोमेटोज, है ना, तो उनको उपजाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उसके वजह से ये ग्रीन हाउस बनाया जाता है जो कि अपना हीट को ट्रैप करते हैं। तो इन हाउसेज को ही वहाँ पे बोला जाता है ग्रीन हाउस, जो कि क्या करता है, दिन से तो दिन में सन का एनर्जी ले करके और जो हीट होता है उसको ट्रैप कर लेता है, और कोल्ड नाइट जो होता है मतलब ठंडी रात में भी वो क्या करता है उसको मतलब हीट को रेडिएट आसानी से नहीं करता है, जिससे क्या होता है उन्हें मतलब ज़्यादा वो ठंडा नहीं होता है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर उनको मिलता है। तो ये देखिए एक पिक्चर है, ये सन का हीट आया इसके अंदर, दिन में तो प्रोवाइड करता रहा, रात हुआ तो इससे क्या हुआ, ये कोशिश किया रेडिएट होने का, तो ये जो बाल हैं ग्लास के बाल हैं ये अपना इसको क्या हीट को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, ठीक है। और ये देखिए, ये अपना एक रियल में ग्रीन हाउस जो होता है वो किस तरह से होता है, ये अपना फसल लगे हुए हैं और इस तरह से ऊपर देख रहे हैं आप, ग्लास का वॉल लगे हुए हैं। तो क्या है, अब बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का। तो व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो अभी हमने बताया, सेम उसी तरह से ग्रीन हाउस जिस तरह से काम करता है, उसी तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी जो है वही सेम प्रोसेस से काम करता है। इस वजह से इसको नाम रख दिया गया ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। गैसेज इन द एटमोसफेयर सच एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हीट जस्ट लाइक द ग्लास रूफ ऑफ ए ग्रीन हाउस। जैसे कि पिछले वाले स्लाइड में ये जो अपना ये काम कर रहा था ग्लास का रूफ और वॉल, वही काम अगर हम पृथ्वी की बात करें तो वही सेम काम एटमॉस्फेयर कर रहा है, और ये पृथ्वी हो गया और ये जो एटमॉस्फेयर है इसके लिए क्या कर रहा है, ग्लास वॉल का काम कर रहा है। तो दीज हीट ट्रैपिंग गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउसेज। तो जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं, बहुत सारे गैसेज हैं, लेकिन इसमें कुछ गैसेज हैं जो कि क्या है, हीट को ट्रैप करने के लिए वही गैसेज ही काम आते हैं, मतलब वही गैसेज हैं जो हीट को ट्रैप करते हैं, तो उन गैसेज को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस गैसेज। अब ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन से हैं? तो ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, एंड सम आर्टिफिशियल केमिकल सच एज CFC, है ना, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिससे कि ओजोन भी डिप्लीट हो रहा है, तो ये भी एक तरह का ग्रीन हाउस गैसेज है। और ये एक पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ओजोन गैस खुद भी एक ग्रीन हाउस गैस है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड।
तो इसमें से मोस्टली जो आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, हम देख पा रहे होंगे जिससे जो जो गैसें पोल्यूशन फैलाती है वो मोस्टली गैसेस वही हैं इसमें, है ना। तो अब हम जैसे पहले ग्लोबल सॉरी ग्रीन हाउस गैसेस पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये गैसेस का बहुत बड़ा रोल होता है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट में। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें बहुत ही ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि ये हमारा जो पृथ्वी, अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो बहुत ही ठंडा हो जाएगा। दिन में तो सन होगा तो हमें गर्मी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, रात में क्या होगा, अगर सारे हीट ख़त्म मतलब रेडिएट हो जाएंगे आसानी से तो क्या होगा, पृथ्वी बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा रात में, और दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्म। तो उस केसेज में क्या होगा, जो लाइफ है, लाइफ ऑन द अर्थ, जो जीवन है वो नहीं हो रह पाएगा, जीवन ख़त्म हो जाएगा, कोई जीव जंतु पेड़ पौधे इंसान कोई भी नहीं रह पाएगा वो ऐसे टेम्परेचर में, उस तरह के टेम्परेचर में कि ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए। इसके वजह से ही जो हमारे अर्थ पे जो इन्वायरमेंट है, जो टेम्परेचर है, हमारे जीने के लायक है, क्योंकि यहाँ के जीवन के होने के लायक है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। ठीक है, तो अब है ग्लोबल वार्मिंग। तो अब जैसे बोलते हैं ना कि अति अति जब हम करते हैं किसी भी काम में ज़्यादा करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान करने लग जाता है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा था, मतलब ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा था, वो तो पॉजिटिव था, हमारे लिए यूजफुल था। बट ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या था, एक बैलेंस बना हुआ था। बैलेंस क्या बना हुआ था कि जैसे हम जितना मतलब हम जितना जनरेट हीट रेडिएट हो रहा था उतना हमारे लिए यूजफुल था, बट एक परसेंटेज था, जैसे कि 10% जो हीट है वो क्या हो रहा था, इसको रोक ले रहा था और बाकी के रेडिएट हो जाते थे। तो उससे एक करीब करीब एक नॉर्मल जो एक एवरेज टेम्परेचर है पूरे अर्थ की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री फ़ारेनहाइट अप्रोक्सीमेटली जो है ये था। बट क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हो गया, अभी डिफॉरेस्टेशन हुआ, मतलब लोग पेड़ काट रहे हैं, है ना, और पावर प्लांट्स हैं, और आपका इंडस्ट्रीज है, और आपका व्हीकल्स वगैरह हैं, गाड़ियां हैं, उन सब से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये जो गैसेज हैं ग्रीन हाउस गैसेज ये निकलते हैं। तो इस वजह से क्या हो गया, एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये जो गैसेज हैं ये बढ़ने लग गया। अब जितनी ज़्यादा गैसेज बढ़ने लग गया ग्रीन हाउस गैसेज, उतना ही ज़्यादा जो हीट को है वो ट्रैप करने लग गया। जब ग्रीन हाउस गैसेज जैसे वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, नाइट्रस ऑक्साइड एक लिमिट मात्रा में थे, बैलेंस बना हुआ था, तब तो ये रिक्वायर्ड अमाउंट में हीट को ट्रैप कर रहे थे जो कि सफिशियंट था हमारे लिए। लेकिन धीरे धीरे गैसेज की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग गया, तब क्या हो गया, हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग गया, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न बना। सबसे बड़ा वजह इसका पोल्यूशन है। अब इसके प्रभाव की बात करते हैं तो ओशियन, वेदर, फूड और हेल्थ सब पे इसका प्रभाव काफ़ी पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर ओशियन की, तो ग्लेशियर्स धीरे धीरे पिघल रहे हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, जिससे पानी कहाँ जा रहा है, समुद्र में, और समुद्र में पानी की जब जाने की वजह से बाढ़ आ रहे हैं जो समुद्र के आसपास के एरिया वहाँ पे, है ना। इसके अलावा वेदर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा तूफान आंधी है ना, और इवन बाढ़ भी आ रहे हैं उसी की वजह से, और सूखे भी पड़ रहे हैं, बारिश भी हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, बैलेंस बिगड़ रहा है सब चीज़ों का। इसके अलावा हम फूड की अगर बात करते हैं तो जंगल घट रहे हैं इस तरह से, और फूड भी हम प्रॉपर जो जितना पहले उपजता था उतना नहीं उपज पा रहा है। इसके अलावा हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, क्योंकि इन गैसों के बढ़ने की वजह से स्मॉग क्रिएट हो रहा है, और स्मॉग की वजह से जो हम हेल्थ की बात करें तो जैसे अस्थमा हो गया, लंग कैंसर हो गया, ये सब जो बीमारियां हैं इस जो, और प्लस हार्ट का बीमारी हो गया, ये सब जो बीमारियां हैं ये बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं आज के डेट में। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें,
और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।